हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री आर्ट एंड टिप्स। तो आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक कर्लिंग हैक, जिसमें आप है ना बिना हीट के, बिना कर्लर के अपने बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर्ल कर लोगे 2 से 3 घंटे के अंदर ही। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप जिस दिन भी अपने बालों को कर्ल करना चाहते हो उसी दिन आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद बालों के सारे टेंगल को रिमूव कर लें। अब आपको एक दुपट्टा लेना है कुछ इस टाइप का, आपके पास शिफॉन का दुपट्टा हो आप उसे यूज़ कर लें। इसके बाद आप जैसे भी पार्टीशन करते हो बालों का पार्टीशन कर लीजिए और यहाँ पे है ना मिडिल में क्लिप से इस दुपट्टे को सिक्योर कर दीजिए। ये मैंने दुपट्टा अपने है ना सिर पर बिल्कुल बीच में लगाया है, आप देख लीजिए। अब मैंने एक साइड के बालों को है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। मैंने यहाँ पे है ना हाफ हाफ हेयर्स को है ना डिवाइड कर लिया है, जो दुपट्टा है वो हमारा बीच में आ गया है इससे। तो अब इसके बाद देख लीजिए मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ। तो ये हमारा दुपट्टा बिल्कुल यहाँ पर बीच में है। इसके बाद मैं ऊपर के बालों से एक लेयर लूँगी कुछ इस टाइप से, मैंने अपने हेयर्स को पकड़ा हुआ है आप देख लीजिए। इस लेयर को मैं दुपट्टे के ऊपर से पहले क्रॉस करूँगी, ऊपर से क्रॉस करते हुए नीचे से निकाल लूँगी कुछ इस टाइप से। तो ये जो बालों का हमने सेक्शन जिस साइड से लिया था ना वो उसी साइड फिर से आ जाएगा। अब इसे मैंने है ना अभी थोड़ा सा होल्ड कर लिया है जिससे आपको समझ में आए कि कैसे किया है। इसके बाद मैंने दूसरी साइड के बालों की एक लेयर को लिया है, इसे भी मैंने दुपट्टे के ऊपर वाली लेयर के ऊपर से क्रॉस किया है और क्रॉस करते हुए नीचे से निकाल लिया है, जिससे बाल फिर से उसी पार्टीशन में वापस आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, फिर से है ना बालों की लेयर्स को ऐड करना है। तो इसी लेयर के साथ में हम जो दूसरी लेयर निकालेंगे ना आगे साइड की, उसी पार्टीशन से लेयर निकालेंगे और उस पहली वाली लेयर के साथ में उसे ऐड कर देंगे और फिर उसे दुपट्टे के ऊपर से क्रॉस करते हुए नीचे से निकाल लेंगे और फिर से जो हमारा पार्टीशन था उसी में बाल आ जाएंगे। और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे दूसरी साइड भी, कि बालों की एक लेयर लेंगे और उसे है ना बालों में मिक्स करते हुए दुपट्टे के ऊपर से क्रॉस करते हुए नीचे से निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि आपके सारे के सारे बाल है ना इस दुपट्टे में ऐसे क्रॉस होकर लपेट नहीं जाते हैं। तो इस प्रोसेस को करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके बाल 2 से 3 घंटे में ही अच्छे से कर्ल हो जाते हैं और बिल्कुल रूट से आपके बाल कर्ल हो जाते हैं। क्या होता है कि जब हम हीट का यूज़ रूट में करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बट इस प्रोसेस से आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाले हैं। इसे आप है ना ईजिली कर सकते हो, आप दिन में काम करते टाइम कर लीजिए इसे और जब शाम को बाहर जाना हो तो अपने बालों को आप खोल लीजिए तो बहुत परफेक्ट तरीके से कर्ल हो जाते हैं। या फिर इसे आप है ना अपने सिर में ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने अपने बालों को ऐड करना बंद कर दिया। उसके बाद हम इसे नॉर्मल तरीके से जैसे प्रोसेस कर रहे थे ना क्रॉस करते हुए नीचे से निकालते हुए, वही रिपीट करेंगे जब तक कि पूरे के पूरे बाल हमारे इस दुपट्टे में अच्छे से सिक्योर नहीं हो जाते हैं। और लास्ट में हमें एक रबर बैंड का यूज़ करना है और उसमें दुपट्टे में इसे अच्छे से बालों के साथ में सिक्योर कर लेना है। तो ये बन गई है हमारी 2 चोटी। तो अब हम क्या करेंगे, इन चोटियों को अपने ऊपर से सिर के कुछ इस टाइप से राउंड करके पीछे साइड बचे हुए फैब्रिक से हमें बांध लेंगे, जिससे कि ये है ना कंफर्टेबल तरीके से आप है ना अपने काम कर पाओ और आराम से सो भी पाओ। तो आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। तो देख लीजिए कितने प्यारे कर्ल्स बन गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू।